इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में माँ श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी, फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम पंच परमिष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की दृश्यमान व्यक्ति जब अदृश्य शक्ति के प्रति आकर्षित होता है तो उससे प्राप्त करने का कोई ना कोई साधन ढूंढता है, क्योंकि वो स्वयं में अपने आप में जो कुछ पा सका है, पाया है, उससे कुछ वो ऐसी चीज पाना चाहता है जो उसके पाने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जब उसके सामने मिलता है, दिखता है या सुनता है तो उसको पाने के उपक्रम के रूप में भक्ति प्रकट होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी राजा को प्रसन्न करने के लिए उसका गुणानुवाद करता है क्योंकि उसको अपेक्षा है कि इससे हमें कुछ मिलेगा। भक्ति एक ऐसा ही साधन है असमर्थों के लिए। जो चीज हम प्राप्त नहीं कर सके वो इनके माध्यम से प्राप्त हो सकती है और होती है। बहुत सारी शक्तियां हमारे वहां विद्यमान हैं लेकिन हमारा ज्ञान स्वतः प्रकट नहीं होता। हमें किसी न किसी का सानिध्य, किसी न किसी का उपदेश चाहिए पड़ता है। देशना लब्धि की कल चर्चा की थी, बिना देशना लब्धि के कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। अधिगम जो निसर्ग सम्यक दर्शन की जो बात है ये मात पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, लेकिन जब उनकी परिभाषा के संबंध में आचार्यों ने टीका लिखी तो वह अधिगमज ही सिद्ध होता है। भवांतर में उसको स्मरण करना निसर्गज कह दिया गया, जाति स्मरण। उन्होंने बिना उपदेश का वहां भी नहीं किया। उन्होंने कहा प्रत्यक्ष में जो उपदेश से सम्यक दर्शन होता है वो अधिगमज है, और भवांतरों में जो पूर्व भव की जनंद की वाणी को स्मरण करता है वो निसर्गज है। ऐसी स्थिति में कोई ना कोई आलंबन तो हमें लेना ही पड़ता है, और जब भक्ति व्यक्ति स्वयं करता है तो जब कोई महान शक्ति सामने आती है तो उसका गुणानुवाद करने में व्यक्ति बौना हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। बड़ी शक्ति जब सामने हो तो व्यक्ति ऐसे ही घबरा जाता है, ऐसे ही घबरा जाता है जैसे एक गधा सावन के महीने में दुबला हो जाता है और बैसाख के महीने में मोटा होता है। उसका नाम बैसाखानंद भी है। ऐसे ही व्यक्ति क्यों क्यों हो जाता है वो सावन के महीने में? वो घास को देखता है तो बस सुबह जाकर घास के मैदान में खड़ा होकर सोचता है इतनी घास में कैसे खा पाऊंगा, इतनी घास में कैसे खा पाऊंगा।
दिन भर वो यही सोचते सोचते शाम हो जाती है और भूखा घर लौट आता है। ऐसा ही जब महान शक्ति कोई सामने होती है तो हमारी बुद्धि गधे के समान किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। मैं कैसे कहूँ इनके गुण, इनमें तो अपरंपार है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। मानतुंग आचार्य महाराज ने पूज्यवर में बहुत बार कहा, भगवान आप बृहस्पति देवों के गुरु भी गाने में समर्थ नहीं हुए, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मैं कैसे गाऊँ, क्या करूँ। और ये जो स्थिति बनती है, यह स्थिति महान आदमी को देख के बनती है, बनना ही चाहिए। इसलिए लोग स्वयं कहीं बोलने में समर्थ नहीं होते, फिर दूसरे से कहते हैं कि आप हमारी तरफ से आपने जो स्थिति लिखी है उसी स्थिति को मैं अपनी मान लेता हूँ। जैसे कोर्ट केस में वकील होते हैं, वकील कोई आगम कानून में नहीं है, वकील संसार में सबसे बड़ा बेकार कोई स्थान है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका नाम है वकील। कुछ काम का कोई है ही नहीं उसको, ना गवर्नमेंट में ना कहीं है, वो तो मूर्खों के लिए वकील होता है, क्योंकि संसार में मूर्ख बहुत है। इसलिए वकील को कभी भी कोई यदि अपराधी कहे कि साहब मैं वकील नहीं करना चाहता, मैं स्वयं वही बहस करूंगा, तो कानून कहता करिए। हमारे किशनगढ़ के एक श्रेष्ठी वर्ग थे मूलचंद रोहाड़िया, उन्होंने कभी वकील नहीं किया, वे स्वयं ही खड़े होते, अपना केस स्वयं लड़ते थे। कानून में लिखा आप अपना केस स्वयं लड़िए, स्वयं आप दलील दीजिए, लेकिन सभी व्यक्ति नहीं जानते ना धाराएं, सभी व्यक्ति बोलने का हुनर नहीं है ना, सभी व्यक्ति प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते, तो फिर वो अपने तरफ से वकील को प्रस्तुत करते। ऐसा ही भगवान की या गुरु की भक्ति करने में हर व्यक्ति समर्थ नहीं होता है, तो जो पहले से महान आत्माओं ने भक्तियां लिखी हैं उन्हीं को अपनी भक्ति मान करके, भगवान की भक्ति करके, और ये कहता भगवान जो पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने किया है वही मैं कह रहा हूं, ऐसा मान लेना चाहिए। मानतुंग आचार्य की भक्ति को भक्ति करते समय ये मान के मत करना कि पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज भक्ति कर रहे, पुराने आचार्य आपकी भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। उस समय तो भक्ति करते समय यही कहा जाता है, अनुभव में आना चाहिए मैं आपको ऐसा मान रहा हूं, आप ऐसे हैं। उस समय लेखक गायब है, स्वयं भक्तांबर जो पढ़ रहा है उसको अनुभव में आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं भगवान आपको, मैं आपको ऐसा मान रहा हूं, आप ऐसे हैं। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। चाहे एक ही भाव तो सभी स्त्रोतों का यही। पूजाएं देखो, आप लोग पूजाएं करते हैं, आपकी लिखी हुई पूजा नहीं है, कायदा से हर भक्त को अपनी स्वयं पूजा लिखकर भगवान की पूजा करना चाहिए। पूजा का अर्थ ये कि हम अपने अंदर की श्रद्धा को प्रकट करें, लेकिन नहीं कर सकते, इसलिए पूर्व विद्वानों ने जो पूजाएं लिखी उसी पूजा को अपनी स्वयं की पूजा मानता है। भक्ति करते समय, किताब छपवाते समय मत लिख देना है, हाँ किताब में तो वो ही रहें। आप भक्ति करते समय पूजा में ऐसी अनुभूति हो कि मैं भगवान जो पूजा कर रहा हूँ, मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। मैं कर नहीं सकता था तो मैंने अपनी भक्ति फलाने विद्वान से लिखवा ली, फलाने आचार्य से लिखवा ली। इसका परिणाम ये निकलता था कि जो लोग बहुस्तुता रहते थे उस भक्ति को जनरल बनाते थे। जैसे कल लेख बांचा गया था मंगलाष्टक वाला, आज तक उसका लेखक पता नहीं चला, लेकिन लिखा तो किसी ने था और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो श्लोक के भाव पक्ष हैं भी आचार्यों से कई मेल खाते हैं। तो उस मंगलाष्टक के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि संग्रह भी आ गया, जैसे अरहंतो भगवंतो वाला जो श्लोक है ये दिगंबर जैन पांडुलिपियों में नहीं मिला। दिगंबर जैनियों का नहीं है, श्वेतांबर लोगों का है, श्वेतांबरों की पांडुलिपि में वो पाया गया,
दिगंबरों में पाया गया श्री मन नम्र सुराय सुरेंद्र आदि जो यहाँ से मिलता है, उनके यहाँ दूसरा पद नहीं पढ़ते। भारतीय ज्ञानपीठ से पुष्पांजलि नाम की किताब छपी, पूजा पुष्प, उसमें इस बात का उल्लेख दोनों कर दिए गए, बाद में प्रचलन में आ गए। तो हमें ये भी देखना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में पंच परमिष्टि का स्मरण है, दोनों पंच परमिष्टि को मंगल मान रहे हैं, लेकिन वो रूढ़ी परंपरा चल गई और उससे ये हो गया कि अष्टाक था और नवाष्टक हो गया, नौ पद हो गए उसके, नौ होना चाहिए वो अष्टक ही होना चाहिए, आठ ही श्लोक थे उसमें, लेकिन ये नौवां श्लोक जुड़ करके बहुत बड़ा उसमें वो हो गया। तो अपन लोगों को गोष्ठी के माध्यम से ये अवधारणा बनाना चाहिए समाज की कि श्री मन नम्र सुरा सुरेंद्र से पढ़े। इसको मैंने पांडुलिपियों में, प्राचीन पांडुलिपियों में भी खुजवाया था विनोद ब्रह्मचारी वगैरह को भेज करके, तो उसमें पहला अरहंतो वाला नहीं पाया गया, लेकिन श्वेतांबरों के यहाँ पाया गया, दूसरा नहीं पाया गया। तो हम दिगंबरों को इस बात से सावधान होना चाहिए। कुछ उसमें ऐसी बातें जोड़ दी गई पद्मनंदी पंचविंशति की, सर्पोहार लता आदि, जो पद्मनंदी विंशति का श्लोक ही सीधा है। तो ये भी उजागर होना चाहिए कि पद्मनंदी पंचविंशति का श्लोक को यथावत रख देना मंगलाष्टक के रूप में, तो लगता है कहीं संकलन तो नहीं। लेकिन मंगलाष्टक एक बोध शक्ति है, मैं बहुत बार कह चुका, पूरी पूजा पूरी स्थितियों में भी वो चीज़ नहीं पढ़ोगे, पूरी तुम पूजा करते हो नित्य नियम पूजा, लेकिन वो उपलब्धि वो भावना उसमें नहीं है जो मंगलाष्टक के अंतर्गत है। जहाँ उन्होंने रिद्धियों का वर्णन किया, जहाँ रिद्धियों का स्वरूप मंगलाष्टक बताया, वहाँ वो असाधारण विशेषता लेते हैं जो सामान्य रूप से पूजाओं में नहीं मिलती, सामान्य रूप से स्थिति नहीं मिलती। इसलिए मंगलाष्टक स्त्रोत के संबंध में जो लेख बांचा गया, आज वर्तमान में मंगलाष्टक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर मंदिर में पूजा के पहले, अभिषेक के पहले मंगलाष्टक पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है, उसकी विशेषता उसमें है, वो दर्शाना चाहिए। मैंने एक बार मंगलाष्टक के ऊपर 2 से 3 दिन तक कहा था, क्यों आया ये मंगलाष्टक, ये पूजा का ही अंग है, क्या इसमें गुणानुवाद है, नहीं है, क्या इसमें भक्ति है, नहीं है, क्या इसमें भगवान के प्रति, नहीं, मंगल का रूप दिया गया, मंगल होवे ये, और उस मंगलों में ऐसे जीव भी आए जो नरकगामी जीव हैं, वे भी आए। नरकगामी जीवों को नारायण पति नारायण चक्री अर्धचक्री आदि जो हैं इनको मंगल कहा गया, भगवान के माता पिता को मंगल रूप कहा गया। क्यों कहा गया, तो ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। लोग कहते हैं गलत छे पर है, नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ये स्तुति पर स्तुति नहीं है मंगलाष्टक, मंगल स्वरूप है मंगलाष्टक। मंगल स्वरूप होना अलग चीज है, मंगल स्वरूप एक घोड़ा भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, सरसों के दाने भी हो सकते हैं, कन्या भी हो सकती, कोई भी मंगल स्वरूप, मंगल मानना और मंगल स्वरूप मानना। तो उस स्तुति के अंदर शास्त्रों में आया, ज्योतिष शास्त्रों में, जैसे कल भी मैंने कहा था, राजा मंगल होता है, मंगल स्वरूप होता है, लोक मंगल में आया। जैसे हाथी को मंगल कहा, हंस को मंगल कहा, घोड़े को, हाँ, और इन मंगलों के लिए उन्होंने रखा है। तो वहाँ पर नरक जावे या कहीं जावे, लेकिन राज चिन्ह से रहे थे, चक्री अर्धचक्री है। रावण भी जब पूरे चिन्हों के साथ बाहर निकलता है तो रावण मंगल कहा, तो उसको रावण को मंगल नहीं किया, रावण के दुर्गुणों को नहीं, रावण जो एक राजा है 3 खंड का, और वो उस चिन्ह से सहत है, उसको नारायण पद मिला, प्रति नारायण पद मिला, तो वह मंगल के रूप में आएगा। तो उस अष्टक के अंदर ये खोलना चाहिए कि ये जो नारायण प्रति नारायण चक्री अर्धचक्री को मंगल कहा, कई लोग कहते हैं तो नरकगामी जीव है, मंगल कैसे हो सकते हैं। तो जैन शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार उसको सिद्ध करना चाहिए कि उनकी पूजा नहीं की जा रही है, यहाँ हाथी घोड़ा की पूजा नहीं की जा रही है, भरे कलश की पूजा नहीं की जा रही है, उसको मंगल माना जा रहा है। यहाँ अर्धचक्र की पूजा नहीं की जा रही है,
अर्धचक्री को मंगल माना जा रहा है। ऐसा ही और प्रसंगों में ऐसा मानना चाहिए। तो मंगलाष्टक में, अब जो मंगलाष्टक में एक जयादि देवी देवताओं को जोड़ दिया गया, ये मंगलाष्टक में मूल प्रति में नहीं है। और बाद में जाकर के उन्होंने देवी देवे असहिम को, असहिमी मंगल नहीं हो सकता, देवता मंगल नहीं हो सकता, स्वधर्मंद आदि मंगल नहीं हो सकते। पूरे मंगलाष्टक की विशेषता में जो मूल प्रतियों में था, देवता, स्वर्ग के देवता, ज्योतिष शास्त्रों में भी देवताओं को मंगल नहीं कहा, मनुष्यों में कहा, मनुष्य यदि राज चिन्ह से युक्त है तो मांगलिक मंगल है, देवता राजा नहीं होते। रोजा देवता के लिए मंगल के स्वरूप में कहीं भी नहीं लिया गया, किसी भी जैनाचार्यों ने ज्योतिष शास्त्रों में भी कहीं मंगल नहीं कहा कि देवता मंगल होते हैं, वो स्वधर्मेंद्र हो अथवा लोकांतिक देव हो तो भी मंगल नहीं हम। लेकिन मनुष्य यदि कुछ चिन्हों में साथ है तो वह मंगल कहा जाता है। तो ये कुछ मंगलाष्टक के अंदर होना चाहिए कि देवियों का जो मंगल का, मंगल का एक पद जोड़ दिया गया है, वो वर्तमान में जोड़ा गया है, मूल में नहीं था। और इसलिए किसी भी ज्योतिष शास्त्र में देवताओं को मंगल नहीं कहा, इसलिए यहाँ मंगल कैसे हो सकते। और वहाँ चक्री अर्धचक्री के संबंध में ये बात होना चाहिए कि लोक मंगल के अंतर्गत आते हैं, जैसे अचेतन पशु आदि भी मंगल रूप होते हैं। तो इस प्रकार का वो मंगलाष्टक एक आज की अवधारणा में, क्योंकि आज मंगलाष्टक बहुत बड़े आस्था का केंद्र बन चुका है, तो उसकी व्याख्या में ये विशेषताएँ, ये विशेषताएँ मंगलाष्टक की उजागर होना चाहिए थी। उपसर्ग निवारण और विपदाएं आना अलग चीज होती है, बीमारी उपसर्ग निवारण नहीं है। कर्म कृत या जो अस्वस्थताएं होती हैं वो अलग चीज है। उपसर्ग चार होते हैं, प्रकृति प्रदत्त, बाढ़ आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, ओलावृष्टि हो जाना, ये प्रकृति कृत है। झंझावात चल जाना प्रकृतिकृत है। तो ये प्रकृति के तो उपसर्ग के निवारण के लिए उनमें वर्णन है। प्रकृति व्रत के लिए है, समुद्र में तूफान आ गया। अब ये उपसर्ग निवारण के लिए यहाँ पर किया गया, यह भगवान जो आपके चरण रूपी वन का आश्रय ले लेता है उसके लिए, अम्भो निधौ शुभित भीषण नक चक्र पाठी न पीठ भय दौड़ बढ़। तो इस प्रकार का जो कथन किया गया ये उपसर्ग में आई। त्रियंश के तो उपसर्ग नाक का आ जाना, नाक का आ जाना, और उस नाक के संबंध में वो उपसर्ग करने वाला है। देवकृत उपसर्ग भक्तांबर के अंदर देवकृत उपसर्ग की चर्चा नहीं है, मनुष्यकृत उपसर्ग की चर्चा है। युद्ध आदि में युद्ध आदि होना, आकस्मिक युद्ध आ जाना और वो मारने पीटने के उतारू है, ये मनुष्यकृत उपसर्ग है। त्रियंचों के तो उपसर्ग बता दिया, शेर है, सांप आदि का, ये दो उपसर्ग के कारण दिए। प्रकृति देवकृत उपसर्ग पूरे भक्तांबर में कहीं दिया नहीं गया कि देवों के द्वारा उपसर्ग आया तो क्या किया जाए। देव उपसर्ग, हालांकि उपसर्ग देवों के द्वारा भी होता है, लेकिन ना तो किसी स्त्रोतकार ने, कल्याण मंदिर स्तुतकार में भी पूज्य वर्मान तंगाचार्य महाराज, किसी ने देवकृत उपसर्ग के संबंध में निवारण की कोई चर्चा नहीं की कि देवकृत उपसर्ग के लिए कैसे निवारण किया जाए, उसका कौन सा पद है, क्या भाव पक्ष है। जैसे उन्होंने अग्नि के लिए कह दिया गया, कल्पांत काल पवनोदित वन्य कल्पम दावा नलम जलित मुज्जुल, और अंत में उन्होंने कहा त्व नाम कीर्तन जलम सम्यत से सर्प के लिए तो नाम नागदमनी हृदय से पुंसाम। तो ये सब तो उन्होंने कहे, लेकिन देवकृत उपसर्ग की चर्चा आगम में तो है, लेकिन उसके निवारण के लिए पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज ने नहीं कहा। ये उस लेख में स्पेशल रूप से विशेषता आना चाहिए थी कि चार प्रकार के उपसर्ग हैं, उन चारों प्रकार के उपसर्ग के निवारण की चर्चा मानतुंगाचार्य महाराज ने की, लेकिन देवकृत उपसर्ग की चर्चा क्यों नहीं की, नहीं की गई। तो ये विशेषता उपसर्गकृत स्त्रोतों के अंदर आती है। और व्याधि अलग है, उद्भूत भीषण जलोधर उपसर्ग नहीं है, ये व्याधि कहलाती है।
ये व्याधि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इस प्रकार की बीमारी आ गई तो व्याधि निवारण करना। प्रश्न भी किसी ने किया था कि उपसर्ग और व्याधि में क्या अंतर है, तो उपसर्ग निवारण यदि आपका लेख है तो इनको आप कोड कर सकते हैं। और रही बात इनके जीवन के उपसर्ग निवारण, आप कहें पूरा भक्तांबर उपसर्ग निवारण है, पूरा एक एक भाव उपसर्ग निवारण है, नहीं, क्योंकि ये जो इनकी किंवदंतियाँ हैं ये प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो रहे। 48 का तालों के अंदर बंद करना ये कोई प्रमाणता से अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। वादिराज को कोड़ के निकलना ये भी प्रमाणिक सिद्ध नहीं हुआ। ये सारी चीजें हैं किंवदंती के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन कोई प्रमाण, कोई उस समय का शिलालेख और उस समय की कोई ऐसे आचार्यों ने घटना की हो जिस समय ये घटना घटी है तो बात विचारनी थी। बाकी उपसर्ग निवारण के उपाय इसमें हैं तो इस प्रकार के उसको खोलना चाहिए कि उपसर्ग के लिए निवारण के लिए क्या। मानतुंग आचार्य को ताले में बंद करना ये मनुष्यकृत उपसर्ग था, लेकिन वादिराज को कोड़ निकलना ये मनुष्यकृत उपसर्ग नहीं है। कर्मकृत जो व्याधा आती है वो व्याधि कहलाती है, और निमित्त से जो परेशानी आती है वो उपसर्ग कहलाती है। परिसर में और उपसर्गों में बहुत अंतर होते हैं। परिसर जो है ये सामान्य रूप से मुनिचर्या में आते हैं, उपसर्ग अनायास बिना इच्छा के आते हैं। तो इस प्रकार के उपसर्ग निवारण के लिए, क्योंकि कल हमारे लिए बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, पूरे लेख तो हम सुन नहीं पाए, बीच बीच में नाम हेडिंग भी थोड़ी सी सही ढंग से नहीं समर्पण ध्यान में आ पाया, जो सुन पाया वो बता रहा हूँ। 6 द्रव्यों की अवधारणा वाला लेख पूर्णतः कुछ भी प्रसंग में उसमें था ही नहीं। वो लेख को पहली बार तो 6 द्रव्यों का वर्णन बहुत मुश्किल से स्त्रोतों में मिलता है, लेकिन फिर भी निकालना चाहिए था, थोड़ा बहुत निकल सकता था घोड़े का। आगे का लेख था नमस्कार के ऊपर, तो नमस्कार के ऊपर जो लेख थे ये बड़े विचित्र बात है। कई लोगों ने, कई स्तुतियों ने नमस्कार के बिना भी श्लोक कहे। जब इस श्लोक को, इस विषय को सुन रहा था तो एक बात बड़ा रहस्य खुला कि हमारे आवश्यकों में एक स्तुति और एक वंदना आया है। स्तुति में नमस्कार करना जरूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने वंदना एक अलग रखा। वंदना नाम का हमारा एक आवश्यक अलग है, स्तुति अलग है। स्तुति में गुणानुवाद करना है, वंदना नमस्कार करें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वंदना में नमस्कार की मुख्यता है। और यही बात कि सभी स्त्रोतों में नमस्कार किया गया हो ऐसा कोई नहीं। जैसे पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने 7 भगवानों की स्तुति की, एक उन्होंने नमस्कार नहीं की, ऋषभदेव को नमस्कार नहीं किया, शंभवनाथ आदि 7 भगवानों में कहीं नमस्कार शब्द का प्रयोग नहीं आया। गुणानुवाद हुआ है, स्तुति हुई, नमस्कार नहीं किया। अंत में जाकर के यानी 8वें भगवान में जाकर कहा वंदे विवंद्यम महताम सिंद्रम, यानी 8वें भगवान ने जैसे नमस्कार किया तैसे वो जो किंवदंती है बताते, वो पाषाण पिंड फटा, चंद्रपुर भगवान प्रकट हुए। खैर उस कथा को छोड़ते हैं, लेकिन वंदना के बिना भी 7 भगवानों की स्तुति है। स्वयंभू स्त्रोत में ऐसे बहुत स्त्रोत हैं जिनमें नमस्कार नहीं है। एक ही भाव स्त्रोत में, संभवतः मैं पूर्णता नहीं कहूँगा, एक ही भाव स्त्रोत में भी नमस्कार शब्द का प्रयोग नहीं है। मानतुंग आचार्य महाराज के संग में तो है ही, पहले ही श्लोक में जाकर के कह दिया। तो नमस्कार के बिना भी स्तुति होती है, क्योंकि स्तुति करने का अर्थ है मात्र गुणानुवाद करना, उनके गुणों को महिमा मंडित करना, उनके गुणों को। और नमस्कार जो किया जाता है वो एक अलग भाव, जब हमें उन गुणों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। स्तुति में समर्पण नहीं होता, वंदना में समर्पण होता है। स्तुति में समर्पण नहीं होता, उसमें वंदना में, नमस्कार में समर्पण होता है। इसलिए नमोकार मंत्र स्तुति नहीं है, नमोकार मंत्र नमस्कार मंत्र है। पूरे नमोकार मंत्र में कोई स्तुति नहीं आएगी। ये नमस्कार मंत्र इसलिए किया जाता है जो कि नमस्कार के लिए लिखा गया, ना कि स्तुति के लिए। कोई भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय की कोई स्तुति नहीं इसमें, नमस्कार ही मात्र है।
तो कुछ स्त्रोत ऐसे होते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जो मात्र नमस्कार को लेकर होते हैं, जैसे नमोकार मंत्र। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नमस्कार नहीं होता, मात्र स्तुति होती है, गुणानुवाद होती है, स्तुति खड़े होकर की जाती है, वंदना बैठकर नमस्कार किया जाता है। स्तुति के लिए झुकना जरूरी नहीं, हम लोगों के लिए जब स्तुति करते हैं तो खड़े होकर के करते हैं, उसमें हमें झुकना जरूरी नहीं, लेकिन जब वंदना करेंगे तो हमें झुकना पड़ेगा। ऐसे नमस्कार की अवधारणा स्त्रोतों के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा विषय था, शीर्षक था कि स्त्रोत को और नमस्कार और स्तुति, इसको यदि हम घटा लें तो बहुत अच्छा विषय बन सकता है और लोगों को खुलासा भी हो जाएगा। नामों की जो अवधारणा है यह भी एक प्रकार का विषय, विशेष रूप से मैंने पहले ही कहा कि नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। पूरे भक्तांबर के अंदर पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, और ना ही, जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे जय कुमार, कल भी प्रश्न आया था, इसमें कोई विवाद नहीं है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति निर्विवाद है, उसमें तो संदेह है ही नहीं, 100% यह स्तुति आदिनाथ पर लागू होती है, 100%। लेकिन पूरी 100% आदिनाथ पर लागू होती है, इसलिए अन्य पर लागू नहीं होती है, शुभ बात नहीं। ये बात हमने अभी कोरोना के समय जब बिजौलिया में थे, उस समय भक्तांबर स्त्रोत की अंतरंग शक्ति और बीजाक्षरों के ऊपर हमने बहुत समय व्यतीत किया और इनके 24 भगवानों का भक्तांबर में स्वरूप देखा, तो हम 3 जगह बहुत कई दिनों तक अटक गए। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, और अंत में जाकर के जब 2 श्लोक आते हैं, चवर वाला और अशोक वृक्ष वाला, ये 4 श्लोक हमें 24 भगवान को कहने के लिए बाध्य करते रहे कि आप नहीं बोलोगे। ये 4 श्लोक कहते रहे कि नहीं, आप नहीं बोल सकते कि 24 भगवानों का स्तवन है। ये 4 श्लोक बता रहे हैं कि आप आदिनाथ बोलिए। बहुत दिनों तक चिंतन करने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, ये आदिनाथ भगवान के साथ अन्य तीतंग, सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम विवादा वालम वनम भव जले पत्थाम जनम, उसका अर्थ भी यही है कि युग के आदि में भव जले में संसार सागर में जिनेन्द्र भगवान के पाद आलम्बन भूत थे। कोई अर्थ में गलती नहीं, मैंने व्याकरणाचार्य से पूछ लिया, जिनके युग के आदि में जिनेन्द्र भगवान, वहां विशेषण ऋषभ क्यों नहीं दे रहे ऋषभ देव का नाम, क्या परेशानी है? वहां मरु देवी का नाम दिया, माता का नाम दे दिया, नाभिराय का नाम नहीं दिया, और यहां पर जाकर के जब बात आई तो जिन पाद कह रहे हैं, क्या कहना चाहते पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज? शायद उनका भी दृष्टि रही हो कि हम भली आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन यह स्त्रोत 24 भगवान के लिए सिद्ध हो, इसलिए और कोई भी बात नहीं। जिन पाद युग के आदि में संसारी जीवों के लिए आलम्बन भूत थे, ऋषभ देव नहीं, जिन पाद। अब जिन पाद में ऋषभ देव आएंगे, और प्रथम जिनेन्द्र की बात तो आपने सिद्ध कर ही दी कि प्रथम जिनेन्द्र स्तोष्ये केलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, क्या मैं जिनेन्द्र भगवान की प्रथम स्तुति नहीं कर सकता हूं? अथवा प्रथम जिनेन्द्र देव वंदनीय है, प्रथम जिनेन्द्र देव स्तुति करने के योग्य हैं, तो क्या मैं नहीं कर सकता? ऐसे 2 श्लोकों का समाधान मैंने किया और मैंने 24 भक्तांबर पाठ की प्रेरणा दी, और कुछ भक्तांबर पाठ पढ़ चुके, 24 भक्तांबर, आदिनाथ भक्तांबर, शांतिनाथ भक्तांबर, मुनि सुब्रतनाथ भक्तांबर, अजितनाथ, 24 भगवान का भक्तांबर यही होगा, मात्र उसका बीजाक्षर बदला होगा। अभी मंत्र का भी एक अवधारणा वाला था, अभी बताता हूँ, बीजाक्षर बदला होगा, मारना बदला होगा। अभी तक एक ही मारना चलता था, क्लीम वाला मारना, ओम ह्रीम क्लीम, क्लीम बीजाक्षर जो है ये आदिनाथ भगवान का है, अभी मंत्र की बात बता रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार का उनको बदल करके और 24 भगवानों के भक्तांबर की स्थिति बनाई, और सभी मंदिरों में 24 मारने भक्तांबर के मारने, यहाँ अभिनंदन नाथ भक्तांबर का विधान होता है, अभिनंदन,
नारेली में मुनि सुब्रत नाथ भक्तांबर विधान होता है, गुणोदय में शांतिनाथ भक्तांबर विधान होता है, सुदर्शनोदय में शांतिनाथ भक्तांबर विधान, और वो जब फिर अंत में जाकर के दो श्लोकों पर विचार आया कि जब कुंदा वदात, आपका शरीर कुंदन के समान, एक श्लोक है वो अशोक वृक्ष का, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख हो मा भाति रूप ममलम भवतु नितांतम, फिर हाँ स्पष्टो लसत किरण मस्त तमोवितानम बिम्बम तयो पार्श्ववर्ती, तो वहां पर उनका जो वर्ण है, और एक चवर में आया सिंहासन के संबंध में आया कि आपका शरीर कुंदन के समान यानी कनक के समान आपका शरीर है। तब इससे संबंध में फिर क्या करें, तो फिर बाद में देखा कि अरे भगवान आप ही अकेले कनक के समान नहीं थे, 16 तीर्थंकर थे, 16 कंचन समान है। फिर कनक का अर्थ मात्र, आप कनक थे क्या, कनक के समान थे, तो कनक का शब्द तेजस्वी के रूप में प्रयोग किया जाता है, शुद्धता के रूप में किया जाता है, स्वर्णवत दमक रहे थे, यदि स्वर्णवत दमक रहे थे यह यदि हम अर्थ ले लेते हैं तो 24 तीर्थंकरों के समान घट जाता है, चाहे भली वो नेमिनाथ श्याम वर्णी है तो क्या हुआ, दमक के समान उनकी स्थिति। तो इस प्रकार के ये 4 श्लोक विचारणी थे, जिसमें 2 श्लोकों के संबंध में हमने बता दिया और 2 वर्ण के संबंध में थे, क्योंकि वहाँ वर्ण का शब्द आया, शरीर की स्तुति की गई। तो इस प्रकार के भक्तांबर स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत, ये किसी तीर्थंकर को लेकर नहीं लिखे गए, सामान लिखे गए। तो नामों की जो अवधारणा है, स्वयंभू स्त्रोतकार ने प्रत्येक स्त्रोत में नामों को स्थापित किया है, प्रत्येक श्लोक में, मतलब प्रत्येक भगवान की भक्ति में, आदिनाथ को आदिनाथ के लिया, अजितनाथ को अजितनाथ को लिया, शुभदिनाथ को, सबको उन्होंने लिया है पूरे। तो नामों को स्तुति करने की अवधारणा के स्त्रोत अलग छांटना चाहिए, और जिनमें नामों नहीं लिए गए हैं उनको अलग छांटना चाहिए, वे व्यापक हैं, वो कोई भी भगवान के सामने, भक्तांबर किसी भी भगवान के सामने पढ़ा जा सकता है, वहाँ आदिनाथ की स्थापना करना जरूरी नहीं है। मंत्र शक्ति के संबंध में स्त्रोतों में जो आया, हालांकि प्रत्येक स्त्रोत में भगवान स्वयं मंत्र रूप हैं, स्वयं मंत्र रूप हैं, नमोकार मंत्र में कोई मंत्र नहीं है, भगवान को ही मंत्र माना गया, अरहंती मंत्र है, कोई भी मंत्र की चर्चा नहीं नमोकार मंत्र में, अरहंती ही मंत्र है और उसे मंत्र नाम दिया गया, सारी दुनिया ने उसे आज भी नमोकार मंत्र बोलते हैं, मंत्र तो कुछ उसमें है ही नहीं, नाम है भगवान का अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय। तो जिनका हम आराधना करते हैं उनको ही हम मंत्र मान सकते हैं, उनका नाम भी मंत्र हो सकता है, कोई आगे पीछे नहीं जोड़ना, ऋषभ देवाय नमः ये मंत्र हो सकता है, ऋषभ देव ही मंत्र है। तो यहाँ लेकिन एक भक्तांबर पाठ हुआ जिसमें 16वीं शताब्दी के अंदर बहुत काम हुआ, 16वीं शताब्दी के अंदर प्रत्येक श्लोक को लेकर मंत्र की स्थापना की गई, प्रत्येक श्लोकों में मंत्र को स्थापित किया गया और उसके संबंध में ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ, अलग श्लोक का मंत्र है, और किसी स्त्रोतों के ऊपर ये मंत्रों की रचना नहीं हुई। भक्तांबर पर क्यों हुई, और एक चर्चा हो रही थी अभी कि भक्तांबर प्रचलित क्यों हुआ सबसे ज्यादा, उसमें सबसे बड़ी चीज है जो मैंने साधना की है भक्तांबर को, मैंने कई दिनों तक इसके एक एक जो श्लोक है उनके सबके बीजाक्षर निकाले, इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितनी मात्राएं हैं, और कल्याण मंदिर स्त्रोत के भी निकाले, और उनकी विषय वस्तु से जब तोला तो भक्तांबर के जिस श्लोक में जो बीजाक्षर पाए गए वह बीजाक्षर उसी नेचर का था, उसी नेचर का था, यानी जिसका वो वर्णन करना चाह रहे। मान लीजिए पहले मैं भगवान की महिमा गाना चाह रहे हैं तो महिमा गाने वाले नेचर वाले बीजाक्षर अलग हैं, प्राप्ति कराने वाले बीज, ये जो 52 अक्षर होते हैं और 3 को मिलाने पर 52 अक्षर हो जाते हैं, इन 52 अक्षरों का अलग अलग नेचर है, कल भी शायद बताया था, कहीं चर्चा हुई थी, सबका अलग है, स्वाद अलग है, रंग अलग है, कलर अलग है,
मुझसे स्वाद आता है इन वर्णों का। आप थोड़ा ध्यान से एक ध्यान करेंगे तो वर्णों का पूरा स्वाद आता है, मुँह से आने लग जाएगा यदि अधिक साधना करेंगे। इनकी गंध आती है, जैसे मान लीजिए का है तो का स्वाद जो है वो आएगा। कोई बीजाक्षर नमकीन स्वाद वाले हैं, कोई खारे हैं, कोई कड़वे हैं, कोई तीखे हैं, तो इस प्रकार से सब बीजाक्षरों का स्वाद अलग है, सबकी गंध अलग है। किसी की गंध पुष्प के समान, गुलाब के फूल के समान है, किसी की गंध सेंदूर के समान है, किसी की गंध जो है गेंदे के फूल के समान है, किसी की गंध दुर्गंधयुक्त है। सब बीजाक्षरों की गंध अलग अलग है, इनका स्पर्श अलग अलग है, इनको छूने पर स्पर्श अलग चलता है। इसका प्रमाण आपको दो देते हैं आपकी भाषा में समझने के लिए। पहला तो शांति विधान आप लोग करते हैं, उसमें 8 बीजाक्षरों को ही चुना है। क्यों चुना 8 बीजाक्षरों को? क्योंकि वे 8 बीजाक्षर ऐसे हैं जो हर उत्तेजना को खत्म करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं, शांति स्थापित करते हैं। कई मंत्र ऐसे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भिड़ते हैं, वो कहते हैं शांति नहीं, युद्ध होगा, समझौता नहीं, युद्ध होगा, कोई समझौता नहीं। रकार लकार ये बीजाक्षर कहते हैं कोई शांति नहीं, टिट फॉर टैट, अब युद्ध होगा, खून का बदला खून से, पत्थर का बदला पत्थर से, ईंट का जवाब, ये बीजाक्षर करते हैं। इन बीजाक्षरों को यदि हम 2-3 घंटे पढ़ने लग जाए तो व्यक्ति इतना क्रोधी हो जाए कि वो किसी की सुनेंगे ही नहीं। तो इन बीजाक्षरों में ऐसे नेचर हैं। कुछ बीजाक्षर ऐसे हैं बोले हो गया झगड़ा, खान शांत करो ना। शांति करने के लिए यदि उन बीजाक्षरों का ध्यान किया जाए तो मन एकदम क्रोध से शांत हो जाता है। क्या झगड़ा, उसने गाली दे दी। अब जिसने गाली दी और हमें क्रोध आ रहा है, यदि वो बीजाक्षर हमारे सामने हो जाए ध्यान में, तो थोड़ा सा ध्यान करते ही उसके परिणाम में आनंद आएगा, छोड़ो क्या झगड़ा करना है। दूसरा प्रमाण आपको देते हैं पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने, शांति धारा के अंदर जो बीजाक्षर छांटे, क्यों शांति धारा प्रभावकारी है? अभिषेक तो हो ही रहा है, अभिषेक तो करते हैं नहीं, शांति धारा प्रभावकारी क्यों है? भगवान के कारण नहीं, भगवान के ऊपर जल ढल रहा है इसलिए नहीं, वो तो अभिषेक में भी ढल रहा है, लेकिन जो वो उन्होंने वम 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 मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम, ये जो बीज अक्षर लिखे हैं, ये बीज अक्षर हैं कमाल के, ये बनाते हैं उस गंधोदक को अतिशयकारी। क्योंकि इन बीज अक्षरों में उन्होंने पूरे 52 अक्षर नहीं लिए, कवर को पूरा छोड़ दिया, क्योंकि कवर जिस उद्देश्य से तुम शांति धारा करते हो वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। पूरे कवर को छोड़ दिया, चवर्ग में मात्र एक अकेले को लिया, झाको नहीं लिया, पूरा चवर्ग में मात्र झाको लिया अकेला। पवर्ग में 2 अक्षर लिए, पा और माँ के अलावा फा वा इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये इष्ट की सिद्धि करने वाले नहीं है। कवर चवर इसी प्रकार और सब में ऐसे लगा लेना। सामे उन्होंने मात अकेले एक सा को लिया, शक्कर वाला सा, षटकोण वाला सा छोड़ दिया, मात सम जो दंती सा होता है उसको ले लिया। तो इस प्रकार के जब शांति धारा को सामने रख के देखा और फिर मैंने उन बीजक्षणों के सारे मेल किया कि इसको क्यों छोड़ा गया, तो वो उसके विपरीत पाया गया। जो शांति धारा में भाव है भक्त का, जिस उद्देश्य से भक्त शांति धारा कर रहा है, कर्मों की निजरा के लिए शांति धारा नहीं, वो अभिषेक है। अभिषेक कर्मों की निजरा के लिए किया जाता है, अपने कलमस धोने के लिए किया जाता है। कर्म प्रबंध निगडय रपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वसता त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकै रभिनयामि महाभिषेक, वहां लिया। लेकिन शांति धारा नहीं, शांति धारा हमारे लिए 2 कारणों से की गई, इष्ट की सिद्धि और अनिष्ट का निवारण। इससे शांति धारा हम लोग नहीं पढ़ सकते, हम तुम्हारे लिए पढ़ते हैं वकील बन करके, केस मेरा नहीं है। हाँ, तुम्हारा वकील बन के पढ़ रहा हूं, मेरे लिए शांति धारा नहीं।
हम अपने दुख निवारण के लिए शांति धारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो शांति धारा गृहस्थों के योग्य ही है। गृहस्थों की समस्या का समाधान है, उसमें ग्रस्तों की समस्या का समाधान है, और ग्रस्तों को इष्ट की सिद्धि है। मुनि महाराज के लिए शांति धारा नहीं, पिच्छीधारी अपने अनिष्ट और इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का निवारण शांति धारा से नहीं, वो भक्तियों से करेगा। वो अभी बता दूंगा, अभी लेख बांचा गया था ना, तो वो करेगा। तो हम लोगों के लिए शांति धारा नहीं, उसमें आपको है, क्योंकि उसमें विरोधी हिंसा है। परमंत्रान छिन छिंद भिन्न भिन्न, दूसरा यदि मंत्र फेंकता है तो वो छिन्न छिन्न भिन्न हो जाए, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न से कोई आपत्ति नहीं है। छिदर और भिदर धातु से छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न बना है। ये कर्म छिद जाए, ढीले पड़ जाए, भिद जाए, नष्ट हो जाए, ये अर्थ है सीधा। लोगों ने इसके लिए सबसे प्राचीन शांति धारा है मांग नंदी महाराज की। ये महा छिन्न छिन्न भिन्न के कारण आजकल नई शांति धाराएं बनाई जाने लगी, वे प्रभावकारी नहीं है। महानुभाव नई शांति धारा बने। मेरे पास एक पंडित ने शांति धारा भेजी, मैंने कहा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज इसमें छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न का हमने क्या लिखा है? सांप का छिंदन नहीं किया, ब्रश सर्प ब्रशिक विष भयानी, सर्प का छिन्न छिन्न नहीं, जहर का नहीं, उसके भय छिन्न छिन्न भिन्न, एक भी हिंसक शब्द नहीं उसमें। वहां कहा है कि सर्प ब्रशिक विष भयानी, भय छिन्न भिन्न, महामारी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। तो उस कारण से नई शांति धारा रस दी और लोगों में भावना दी। महानुभाव जो पुरानी बृहद शांति धारा है, ये बहुत पावरफुल है। मात्र बीजाक्षरों के कारण, मात्र बीजाक्षरों के कारण से शांति धारा है, और यही भक्तांबर का हर श्लोक बीजाक्षरों से भरा हुआ है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने जो श्लोक लिखा उनमें उन्हीं अक्षरों को लाने का प्रयास किया है जो वहां भाव व्यक्त करना चाहिए। जैसे उन्होंने, मान लीजिए कोई उदाहरण दे लें अपन, भगवान के पहले ही ले लें, पहले अक्षर में, पहले स्त्रोत में मात भगवान की प्रशंसा है। आप कैसे हैं, आपका प्रभाव कैसा है? उन्होंने पूर्ण बीजाक्षर प्रभावशील है। वही जाकर जब उपसर्ग निवारण हुआ, उपसर्ग की बात आई, भिन्ने वे कुंभगढ़ दुज्वल सोनी ताकता, तो वहां जो बीजाक्षर लिखे और मित्र अक्षर जो बनाए, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो मित्र अक्षर होते हैं और वो उनके मित्र अक्षर के साथ मिलकर भी अपना स्वरूप बदल देते हैं। जैसे भा, जब वो भा का के साथ मिला तो अपना स्वरूप अलग है, और ना के साथ मिल जाने पर उसका स्वरूप बदल जाता है। संयोग दूसरे स्वरूप में जाके मिलकर के अपना स्वरूप बदल देते हैं। वहां जो उन्होंने बीजाक्षर दिए संकट निवारण में, वो पूरे मैंने मैचिंग किया कि वो पूरे अक्षर उसी स्वभाव वाले हैं जो स्वभाव को वो वर्णन कर रहे हैं। यह व्यवस्था कल्याण मंदिर स्त्रोत में नहीं है। कल्याण मंदिर के स्त्रोत को मां शब्द रचना है, भाव रचना नहीं। कल्याण मंदिर स्त्रोत में शब्द रचना है, मंत्र रचना नहीं। कल्याण मंदिर स्त्रोत में भक्ति है लेकिन शब्दों का चमत्कार नहीं, शब्दों की व्यवस्था नहीं है। उसमें ऐसे शब्द भी हैं जो भाव कुछ बता रहे हैं और अक्षर बिल्कुल विपरीत है। शांति का भाव बताया जाना है और रम और लम का प्रयोग किया जा रहा है कल्याण मंदिर स्त्रोत में। अब रम और लम जिस स्त्रोत में होंगे वहां शांति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। टबर के जहां आ जाएगा वहां शांति हो ही नहीं सकती, वहां तो रार बढ़ाएगा, रार बढ़ाएगा। वहां शांति धारा में टबर का प्रयोग नहीं, टबर टा ठा डरना ये नेचर है इनके बिल्कुल भिन्न प्रकार के। तो भक्ताओं में कल्याण मंदिर स्त्रोत के अंदर वो व्यवस्था नहीं की गई। वहाँ ये ध्यान नहीं रखा गया कि हम किस भाव से यह स्त्रोत लिख रहे हैं, क्या ये अक्षर उसका रूप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। किसी भी स्त्रोत में ये ध्यान नहीं रखा गया, एक ही भाव विशापाहार आदि। मात्र ये ध्यान रखने का पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज को मैं बहुत बहुत बार उनको श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने वो बातों का ध्यान रखा। और उनकी जो तपस्या थी शब्द साधना, अक्षर साधना, उस साधना का परिणाम निकला है कि आज भक्तांबर सारे भारत में प्रसिद्ध है। होना चाहिए कल्याण मंदिर को, क्योंकि पारसनाथ की ज्यादा प्रसिद्धि है। आज आदिनाथ से ज्यादा प्रसिद्धि किसकी है?
आदिनाथ से भी ज्यादा है। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पारसनाथ की है, श्रद्धा पारसनाथ के ऊपर है। गृहस्थ पारसनाथ को चाहता है तो फिर कल्याण मंदिर स्त्रोत कैसे नहीं सिद्ध हुआ। पहले का है या बाद का, इस संबंध में अपन ने अभी चर्चा कर ही ली, लेकिन प्राय कई लोग उसको 7वीं शताब्दी का मानते हैं, भक्तांबर को 6ठी शताब्दी का मानते हैं कल्याण मंदिर स्त्रोत को। श्वेतांबर परंपरा में भी दोनों स्त्रोत पाए जाते हैं, तो वो 6ठी। तो कोई भी कैसे भी हो, लेकिन उसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं हो पाई, जब पारसनाथ सबके श्रद्धा का केंद्र है और पारसनाथ के ऊपर लिखा हुआ स्त्रोत सबसे प्रसिद्धि को क्यों प्राप्त नहीं हो पाया, क्या कारण रहा होगा? क्या मानतंग आचार्य का विज्ञापन तो तेज था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मात्र उसकी जो उनकी जो साधना थी पूज्यवर की, जो मंत्राक्षर जो बीजाक्षर उसमें लिखे, उसी का परिणाम है कि मंत्रों की उत्पत्ति हुई। हर काव्य से मंत्रों की उत्पत्ति हुई, हर काम में रिद्धि, और रिद्धियों का भी ध्यान रखा गया कि रिद्धियां इन काव्यों में रिद्धियां भरी पड़ी। स्वंभी स्त्रोत में ये सब नहीं है। स्वंभी स्त्रोत मात्र एक ज्ञान परख है, मात्र ज्ञान की तरफ ही उनका दृष्टि गई है, ज्ञान को ही उन्होंने मुख्यता दी है। जैसे कल भी कहा था हमने कि उनका जिनवाणी के भगवान की वाणी को मुख्यता दी उन्होंने। आप कैसे हैं वो वर्णन है, लेकिन मुख्यता किसकी है कि आपकी वाणी कैसी है। लेकिन भक्तांबर कार स्त्रोतकार ने तो कहा वाणी नहीं, हमें शक्ति चाहिए प्रभु, मैं असमर्थ हूं। यदि मैं समर्थ होता तो मैं आपके पास भक्ति क्यों करता, मैं असमर्थ हूं, वो आपके निमित्त से मुझे शक्ति मिल सकती है। तो ये भक्तांबर पाठ की एक विशेषता रही प्रसिद्धि का कारण। तो भक्तांबर एक मांत्रिक स्त्रोत भी है, उसके हर श्लोक में मंत्र, हर बीजाक्षर अपने आप को मंत्र की घोषणा कर रहा है। हर श्लोक में सैकड़ों बीजाक्षरों के मंत्र भरे पड़े हैं और वो उस अर्थ को स्थापित कर रहे हैं जो अर्थ वहां पर स्थापित होता है। अब जो और कौन सा श्लोक था, विरोधाभास वाला। विरोधाभास वाला तो ठीक है, क्योंकि ऐसे होते हैं, आपको अजन्मा कह देना और जन्म तो उनने लिया ही है, लेकिन फिर भी क्या कह देते हैं, आप अजन्मा हैं, आप निकम्मा हैं, कहते कहते ना आप निकम्मा हैं। अब निकम्मा का है, सबसे बड़ा कर्म तो वही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यदि खर्चा है तो सिद्ध भगवान का, अपने लोगों के खर्चे बहुत कम है। सबसे ज्यादा उनका खर्च है, अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद जब निकल नष्ट होते हैं तब एक समय की पर्याय बनती है अनंत की, एक समय की पर्याय। अपने तो बहुत खर्चा है, बहुत कम खर्चा है, बहुत थोड़े में काम चला रहा है। सबसे ज्यादा खर्च यदि किसी का होता है तो अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान का, केवल ज्ञानी का। एकदम चलते हैं अभिभाग, एकदम जैसे बड़े हेलोजन में आते हैं ना, मीटर एकदम खिसकता है। अपन तो 0 पावर, 10 पावर, 40 पावर, हम उनका तो पावर ही नहीं है, अनंत पावर है। सबसे ज्यादा यदि अविभागी प्रतिच्छेद नष्ट होते हैं प्रति समय, तो वो केवल ज्ञानी के, सर्वज्ञ भगवान के होते हैं। इसलिए उनकी तो स्थितियां जो बनती हैं वो है ही। परमात्मा का स्वरूप जो है, इसके संबंध में काफी चर्चा हुई। परमात्मा के 2 रूप हैं, सकल और निकल परमात्मा, और दोनों की स्थापना करने का उल्लेख पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने कहा, अकृत्रिम चैत्यालयों में भी अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं होती है। जब प्रतिमाएं होती हैं तो दोनों का, दोनों की भक्ति भी होगी, दोनों की आराधना भी होगी। लेकिन जैसे कल मैंने कहा था, स्त्रोतों में अरहंत भगवान की मुख्यता दी गई, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। हम मुनि महाराजों में सिद्ध भगवान की मुख्यता है। हमारे हर कार्य में हमें सिद्ध भक्ति पढ़ना पड़ती है, अरहंत भक्ति नहीं। दिन भर में कम से कम 10 बार कोई भी कार्य करेंगे, सिद्ध भक्ति। प्राश्चर्य लेना है सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण करना है सिद्ध भक्ति, गुरु की भक्ति करना है सिद्ध भक्ति, गुरु की भक्ति सिद्ध भक्ति पूर्वक। यदि हमारा साधर्मी हमसे अधिक ज्ञानी है तो हमें सिद्ध भक्ति करना पड़ेगी। हम साधर्म मुनि महाराज हैं और हमसे अधिक ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी है, उनका शुद्ध ज्ञान बढ़ा हुआ है, तो उनकी वंदना भी हम 2 भक्तियों से करेंगे, सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति।
अब साधर में मुनिराज की वंदना करने के लिए सिद्ध भक्ति की क्या जरूरत थी, आचार्य महाराज की वंदना करने के लिए सिद्ध भक्ति की क्या जरूरत थी, भगवान की वंदना करने के लिए, सब क्रियाओं में ऐसी एक भी क्रिया नहीं, स्वाध्याय करो तो सिद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति, क्योंकि हमें संसार मिटाना है, संसार को नाश करना है तो सिद्धों का ध्यान करो, सिद्धों का ध्यान करो। और सिद्धों का ध्यान पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव संग्रह में 2 बार प्रयोग किया, जाए लोह से रत्तम, जब सिद्धों का ध्यान करने की बात कही तो अरहंत को ध्यान का रूप नहीं कहा, जाए लोह से रत्तम, और उसके पहले भी कहा सिद्ध भगवान ध्यान के विषय। तो मुनियों के लिए विशेष रूप से ये, आप गृहस्थों के लिए, चूंकि आप गृहस्थ हैं, आप संसार मिटाना नहीं चाहते, संसार संभालना चाहते, संसार मिटाना और संसार संभालना, संसार को छोड़ना और संसार संभालना, संसार यदि संभालना है तो अरहंत भगवान की ही भक्ति विशेष कार्यकारी। दीवान उपयोग पूर्वक बोल रहा, कवि आज तक अन्यथा रूप कथन नहीं हुआ, होगा भी नहीं, ये विचित्रता है। उपसर्ग निवारण के बाद और सर्वज्ञता के पर बाद का जो तीसरा लेख था, भक्ति की अवधारणा, भक्ति की अवधारणा वस्तुतः जैन दर्शन का मुख्य है। भक्ति की अवधारणा का मूल स्रोत, जैसे अध्यक्षी भाषण में कहा था कि मोक्ष जाना ही इसकी मुख्य अवधारणा है, मोक्ष ही मुख्य अवधारणा है, कि बिना भक्ति के मोक्ष हो नहीं सकता। अब उस भक्ति के लिए बीच में समस्याएं आती हैं तो भक्ति से समस्या का समाधान, कुछ आवश्यकताएं पड़ती हैं उसकी उपलब्धि भक्ति से, लेकिन सबके पीछे है अवधारणा मोक्ष की, बिना भक्ति के मोक्ष हो ही नहीं सकता, बिना देशना लब्धि के मोक्ष हो ही नहीं सकता, और देशना लब्धि बिना भक्ति के मिल ही नहीं सकते। इसलिए जहां श्रद्धा मात्र से, श्रद्धा से मोक्ष नहीं होगा, श्रद्धा के बाद भक्ति होना जरूरी है। श्रद्धा मात्र है तुम्हारी, कोई कुछ भी मोक्ष होने वाला नहीं, श्रद्धा के बाद भक्ति। श्रद्धा चरणानुग का विषय नहीं है, भक्ति चरणानुग का विषय है, श्रद्धा क्रिया का विषय नहीं है। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने सम्यक दर्शन के साथ सम्यक तो आचरण चारित्र लिखना पड़ा, सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर सम्यक तो आचरण नहीं होगा, यानी भक्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति की जो अवधारणा है जैन दर्शन में, मूल स्रोत है, बिना भक्ति के भगवान नहीं, बिना भक्ति के मोक्ष नहीं, बिना भक्ति के सम्यक दर्शन नहीं, कुछ भी बिना भक्ति के हो ही नहीं सकता, ऐसी अवधारणा। और अंत के लेख में मैं जय कुमार जी ये बात कह के बरी हो गए कि मैंने इन विषयों को छुआ ही नहीं, मैंने 2 को छुआ है। हमारे स्नातक परिषद का विद्वान होता तो माफ कर देता, आपको माफ नहीं करूंगा। आपको अपने लेख में वो सारे पक्ष लेना चाहिए थे जितने पक्ष दुनिया में थे, वो पक्ष भी लेना चाहिए था जो पक्ष पूज्यवरों ने भक्तांबर में या स्त्रोत में कल्याण मंद में नहीं कहा, वो पक्ष भी आना चाहिए। तुम्हारे लिए माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आज की सभा में बैठे हुए विद्वानों में साहित्य के पक्ष में आपसे बड़ा शायद कोई विद्वान नहीं, अनुमान से कह रहा हूं, साहित्य साहित्य है ना, साहित्य में आप बहुत, तो आपको भक्तांबर और कल्याण मंदिर उसकी भी सारी विषमताओं को सुनने का मैं इच्छुक था कि वो विशेषताएं साहित्य के संबंध में आए, वो विशेषताएं भक्ति के पक्ष में आए, वो विशेषताएं सिद्धांत के पक्ष में आए, वो विशेषताएं न्याय के पक्ष में आए, चारों अनुयोगों के कृत विशेषताएं दोनों भक्तांबर स्त्रोत में जानना जाए थे। दोनों भक्तांबर स्त्रोत में क्या प्रथमानुयोग झलक रहा है, दोनों भक्तांबर स्त्रोत में क्या न्याय झलक रहा है, दोनों भक्तांबर स्त्रोत में क्या अध्यात्म है, दोनों भक्तांबर स्त्रोत में चरणानुयोग की स्थिति है, यानी संपूर्ण होना चाहिए था। और संपूर्ण क्योंकि आपके लेखों को देख करके कोई व्यक्ति लगाता है कि डॉक्टर जय कुमार का लेख है, पहले तो आपकी स्वयं की पहचान थी, फिर आप विद्युत परिषद के अध्यक्ष रहे, अब तो आपका और पद पड़ गया,
श्रवण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता है। तो अब तो लोगों की और उम्मीदें बढ़ गई हैं, इसलिए अब कोई बात नहीं, अभी जितना लिख पाए आपकी स्मारिकाएं तो समय से कभी छप रही नहीं है। कई स्मारिकाएं तो डरी हैं, शायद समाधि तक तो छपी जाएंगे। छाप रहे दुनिया में, देखो दुनिया में छापने वाला नहीं मिलता, दुनिया में छापने का पैसा खर्च करने वाला नहीं मिलता, और यहाँ छापने वाला बैठा है, दातार बैठा है, लेकिन पंडित छपवा नहीं पा रहे हैं। अभी चार पाँच साल मान लें, शायद अंदाज से 4-5 साल पुरानी स्मारिका भी शायद बाकी हो। अब वो तो मालूम है, वो तो तैयार है ही, लेकिन यानी 5-5 साल पुरानी स्मारिकाएं भी पड़ी हैं। अब 5 साल पुरानी स्मारिका पड़ी है और उसमें कोई नया लोग जोड़ना पड़े तो बहुत अच्छा है, बढ़िया, ये भी शायद ऐसे ही निकल जाएंगे। इसलिए आप अपने बहुत लंबा काल आपको दिया जाता है कि आपका लेख जो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन है, इतना विस्तृत लेख बने कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों भक्तांबर की कुछ तुलनाएं तो मैंने करी थी, जो आपको भक्तांबर की विशेषता क्या है, कल्याण मंदिर की क्या है, इसकी प्रसिद्धि का मूल कारण क्या है, और उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण न होने का कारण क्या है, जो मैंने खोजा, मैंने दोनों में जो अंतर समझा, वो अंतर आपके संबंध में कहा। हालांकि ये अंतर आप नहीं कर पाएंगे, ये अंतर आप नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि इस अंतर के लिए तो आपको मुनि बनना पड़ेगा, जो अंतर मैंने खोजा है। लेकिन आपका जो अंतर है, जो शब्दात्मक रूप रहता है, वो अंतर खोज के इस लेख को आप बढ़ा सकते हैं। और बाकी सब के लिए आशीर्वाद, समय आपका हो गया, सभी लेख अच्छे माचे गए, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में माँ श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बरजात्या, फतेहपुर शेखावाटी, फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।